नमस्कार दोस्तों, ओमनिसियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक कुछ ऐसे प्रीपोजिशन को देखेंगे जो कि हर सेंटेंस में आता है, तो आप कैसे सेंटेंस बनाते होंगे पता नहीं चल रहा है अब ना कि प्रीपोजिशन कौन सा है। चलिए शुरू करते। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को क्लिक किया है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, जी हाँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पर बात करूँगा, फिर इन टू पर बात करूँगा, ऑन पर बात करूँगा और ऑन टू पे बात करूँगा। अब इन सब में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर देखें, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फालतू में अपना समय खराब ना करें, कहीं और जाएं, रील देखें और रील से अपना मन जो है खुश रखें। जाहिर सी बात है खुश रहना जीवन का सबसे अहम रोल है, लेकिन सीखना जो है, सीख कर अपना करियर बनाना, अपना एक लक्ष्य प्राप्त करना एक अलग बात है। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते इन का यूज़ कहाँ होगा, इन टू का यूज़ कहाँ होगा, इन इन टू में क्या डिफरेंस है, ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, यूज़ कहाँ होगा, तो लगातार बने रहें और अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो प्रीपोजिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रीपोजिशन है। जी हाँ, प्रीपोजिशन इन इन टू ऑन ऑन टू का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं सभी लोग जानते होंगे, संज्ञा, ठीक है। और प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब ये देखिए, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, यानी नाउन बोलते हैं, इंग्लिश में वही चीज़ हो जाता है। और इसी संज्ञा के बदले में जो नाम, जो भी सब्जेक्ट आता है वो प्रोनाउन होता है, जिसकी चर्चा में हम अपने जो मेरे पार्ट, जो मेरा सब्जेक्ट चार्ट है उसमें हो जाता है प्रोनाउन का। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, किसका प्रयोग, इन का, इन टू का, ऑन का, ऑन टू का, डिफरेंस बाद में देखेंगे है। जो क्या आता है, जो दूसरे शब्दों के साथ, जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध बना बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। तो चलिए आप देखिए जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, इन के बारे में, ये इन जो है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है पोजीशन यानी स्थिति बताने के लिए, पोजीशन का मतलब क्या होगा, स्थिति कि आप कहाँ पर हैं, स्थिति बताने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग बड़े क्षेत्र, जैसे तो बड़े क्षेत्र या एरिया जो कहते हैं, बड़ा एरिया को बताने के लिए भी किया जाता है, यानी कि दो बात के लिए किया जाता है, एक तो स्थिति, दूसरा स्थिति में कौन सा, बड़ा क्षेत्र, बड़ा एरिया, ह्यूज है ना, ह्यूज एरिया, इनको बताने के लिए किया जाता है। अब चलिए इनको तो देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि इन से क्या मतलब, एग्जाम्पल देखिए, आई एम लिविंग इन लंदन, आई एम लिविंग इन लंदन, मैं लंदन में, देखिए मैं, इनका मतलब होता है मैं, इनका क्या मतलब हो गया, मैं हो गया, इनका मतलब मैं हो गया, और आई एम लिविंग इन लंदन, मैं लंदन में क्या करता हूँ, रहता हूँ। दूसरा देखिए, वी आर इन द हाउस, अब स्थिति बता रहा है, हम लोग घर में हैं, हम लोग घर में हैं, वी आर इन द हाउस, वी आर इन द हाउस। नेक्स्ट है, यू आर इन द फोर्ट, तुम किले में हो, आप किले में हो। नेक्स्ट है, यू आर लिविंग इन लखनऊ, यू आर लिविंग इन लखनऊ, यानी कि नाउन के पहले देखिए ये क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति तो आपने नहीं देखा यहाँ पर, लेकिन आपने देखा स्थान, देखा व्यक्ति वस्तु स्थान, तो ये स्थान था, किसी व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति वस्तु या स्थान या नाम को, या नाम, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इसके पास ये लंदन क्या है, स्थान है, हाउस मान लीजिए ये भी स्थान ही हो गया, फोर्ट क्या हुआ, एक समान मतलब कि जगह है, ठीक है, नाम है, लखनऊ भी स्थान हो गया। तो यू आर लिविंग इन लखनऊ, अब लखनऊ इस तरह से लिखते हैं, याद रखिएगा, तो
तो आप लोग यानी तुम लोग लखनऊ में रहते हो, तुम लोग लखनऊ में रहते हो, यस सर रहते हो मतलब रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज इन चेन्नई, ही इज इन चेन्नई, वह चेन्नई में है, वह चेन्नई में है। नेक्स्ट है सी इज इन बेंगलोर, सी इज बैंगलोर, सी इज बैंगलोर, कुछ लोग बंगलुरु भी कहते हैं, वह बेंगलोर में है ना, कुछ लोग बंगलुरु भी कहते हैं बेंगलोर को। नेक्स्ट है दे आर इन सिनेमा हॉल, दे आर इन सिनेमा हॉल, ठीक है, वे लोग सिनेमा हॉल में हैं, क्या कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है सो एग्जाम्पल तो आपने देखा, अब देखिए इन तो देखा, इन टू देखिए, तो जो इन टू है ये इन टू, जी हाँ इन टू इन से डिफरेंट होगा, और ये भी प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग जो है मूवमेंट है ना, मूवमेंट वन इधर से उधर बताने के लिए किया जाता है, विशेष तौर पर उस भर्व है ना, उस भर्व यानी क्रिया के साथ जिसका उपयोग वाक्य में मूवमेंट दर्शाने के लिए किया जाए ना, ऐसे ऐसा वर्ब जो कि मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा हो है ना, मूवमेंट के बारे में मतलब कि एक्सप्रेस कर रहा हो, तो मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा हम लोग समझे, एग्जांपल में ज़्यादा प्रयोग करिए, एग्जांपल को ज़्यादा बोलिए आएगा बोलने, और इसको कई बार बोलिए, जैसे आई मूव्ड, मूवमेंट हो रहा है, आई मूव्ड इन टू द रूम, आई मूव्ड इन टू द रूम, मैं कमरे में गया, मूव आई गो टू द, आई गो इन टू द रूम, ऐसा लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनना होगा, आई मूव्ड बोलिए, ठीक है। इसी देखिए वी आर जम्प्ड, मूवमेंट ने मूवमेंट हुआ ना, जम्प किया तो मूवमेंट हुआ, वी आर जम्प्ड इन टू सी, इन टू द सी भी बोल सकते हैं, हम लोग समुद्र में छलांग लगाए हैं। नेक्स्ट है यू आर मूविंग इन टू, दो बार हो गया इन टू, देख काट दीजिए, इन टू फोर्ट, वी आर इन टू फोर्ट, वी आर मूविंग इन टू फोर्ट, तुम जो है किले में जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू आर एंटर्ड, यहाँ भी मूवमेंट है, एंटर भी मूवमेंट है, यू आर एंटर्ड इन टू सेमिनार हॉल, आप लोग सेमिनार हॉल में प्रवेश किए हैं, है ना। नेक्स्ट है ही वॉक्ड इन टू द रूम, देखिए मूव्ड भी था, वॉक्ड भी था, गो भी हो सकता है, ही वॉक्ड इन टू रूम, वह कमरे में गया, है ना। नेक्स्ट है सी एंटर्ड इन टू ऑफिस, सी इंटर, अब इंटर यहाँ एस लगाएंगे, सी इंटर्स इन टू ऑफिस, वह कार्यालय में जाती है। नेक्स्ट देखिए दे आर जंपिंग, फिर मूवमेंट, दे आर जंपिंग इन टू द रिवर, वे लोग नदी में कूद रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, अब अगला देखिए ऑन, ऑन जो है ये ऑन इस जो ऑन जो प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग वस्तु थिंग्स और व्यक्ति यानी पर्सन्स की पोजिशन बताने में किया जाता है, बताने की वो वस्तु कहाँ पर है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, इस तरह से बताने में किया जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में समझिए, देखिए दोस्तों जितने भी लोग हैं नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक दबा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दबाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई एम ऑन द रूफ मैं छत पर हूँ, वी आर ऑन द रैम्प, हम लोग रैम्प पर हैं, तो यानी ऑन का मतलब हो गया पर। फिर देखिए योर बुक इज ऑन द टेबल, बच्चे लोग को ये बताए योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारा किताब कहाँ है, तुम्हारा किताब मेज पर है। जैसे योर मोबाइल इज ऑन द टेबल, आपका मोबाइल कहाँ पर है, आपका मोबाइल बिस्तर पर है, योर मोबाइल इज ऑन द बेड, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वह छत पर खड़ा है। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग ऑन द स्कूटी, वह स्कूटी पर खड़ी है, या स्कूटी पर खड़ी तो नहीं रहता, लोग जैसे बैठे रहते हैं, तो बैठी है ना, वह स्कूटी पर बैठी है। नेक्स्ट है दिस स्लेप्ट ऑन द ट्री, वे लोग पेड़ पर सोए हैं। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग, क्या आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है,
अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए। जी हाँ, कम से कम यस लिखकर हमारा जो है हौसला बढ़ाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपने देख लिया ऑन को, अब ऑन के बाद ऑन टू को देखते हैं। ऑन टू, ऑन टू ये भी प्रपोजिशन है, इसका प्रयोग मूवमेंट बताने के लिए। यहाँ भी देखिए ऑन, जाहिर सी बात है वहाँ पर इन के बाद इन टू था, तो यहाँ पर ऑन के बाद ऑन टू, इन टू और ऑन टू, इन टू मूवमेंट बता रहा है, ऑन टू मूवमेंट बता रहा है, तो ऑन टू मूवमेंट बताने के लिए करते हैं ऑन टू का प्रयोग। तेजी या झटके से किए गए मूवमेंट के लिए होगा, तेजी से किया गया या झटका से किया गया। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। एग्जाम्पल है आई पुट द बैग ऑन टू द टेबल। आई पुट द बैग ऑन टू द टेबल, मैंने बैग मेज पर यहाँ पर लिख दीजिए, मेज पर रख दिया। ठीक है, द पाथ लीड्स ऑन टू द पार्क, रास्ता पार्क की ओर जाता है। द पाथ लीड्स ऑन टू द पार्क, लीड्स। ठीक है, he rolled onto his side, वह अपनी तरफ लुढ़क गया, है ना, he rolled onto his side. नेक्स्ट है you climbed onto the vehicles, आप गाड़ी पर चढ़ गए। नेक्स्ट है he tossed our glass onto chair। ठीक है, उसने कुर्सी पर घंटा फेंक दिया, है ना, घंटा फेंक दिया। नेक्स्ट है she dropped beside, यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी मूवमेंट है। she dropped beside him and rolled him onto his back। ठीक है, she dropped beside him and rolled him onto his back। तो क्या है, सिंपल दोस्तों, वह उसके पास गिरा और उससे अपनी पीठ पर लिटाया। तो दोस्तों ये था, आपने देखा ऑन टू के बारे में। अगर देखिए थोड़ा सा इन टू का को प्रयोग का प्रयोग जो है तभी होता है जब एक जगह से दूसरे जगह जाना मालूम होता है, या एक रूप से एक रूप में परिवर्तन होना मालूम होता है, या बाहर से भीतर जाना। इन टू मीन्स बाहर से भीतर गए, है ना, बाहर से भीतर गए, एक दूसरे में बदल गए, एक जगह दूसरे जगह गए, तभी ना इन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो इन टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, एक जगह दूसरे जगह जाना, परिवर्तन बदल जाना, या बाहर से भीतर जाना। ठीक है, इन टू लगाएंगे। सेंटेंस देखिए, इन टू का प्रयोग, जैसे इन टू का प्रयोग तभी होता है, कब होता है, तभी होता है कब, जब एक जगह से दूसरी जगह मालूम होता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मालूम होता है, या बाहर से भीतर जाना समझा होता है। आप फिर से अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि भूल जाए ना। अब देखिए, जैसे I enter into the room, मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ। सेंटेंस को देखिएगा, ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, I do not go into the forest, मैं जंगल में नहीं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस था। अब देखिए, may I come into the room, क्या मैं कमरे में जा सकता हूँ परमिशन के साथ, है ना। may I not come into room, क्या मैं कमरे में नहीं जा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, what do I jump into the river, मैं क्या नदी में उछल सकता हूँ। What do I jump into the river? नेक्स्ट देखिए, What do I not? या ये देखिए, ये WH क्वेश्चन के साथ है, इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, WH क्वेश्चन, या WH क्वेश्चन का मतलब what हो जाता है, where, how, when, आप समझ सकते हैं कौन कौन सा होता है। तो What do I not jump into the river? मैं क्या नदी में उछल सकता हूँ। नेक्स्ट जो है, Why can I turn into a cat? मैं क्यों, बदलने के बारे में, स्थिति बदलना, जैसे मैंने बताया था अपना रूप बदल देना, मैं क्यों बिल्ली बन सकता हूँ, है ना। Why can I not turn into a cat? मैं क्यों नहीं बिल्ली बन सकता हूँ। देखिए, बदलना भी बहुत अच्छी बात है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। How should I dive into the dry river?
मुझे कैसे नदी में गोता मारना चाहिए? हाउ शुड आई ड्राइव, हाउ शुड आई डाइव, ड्राइव नहीं डाइव इन टू द रिवर, मुझे कैसे नदी में गोता मारना चाहिए? हाउ शुड आई नॉट डाइव इन टू द रिवर, ठीक है, इन टू को देखिए कहाँ पर लगा रहे हैं, मुझे कैसे नदी में गोता मारना नहीं चाहिए, है ना, इंटर के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा, अब देखिए आई के साथ देखना आपने, वी के साथ देखिए, हमारा सब्जेक्ट सिर्फ चेंज हो रहा है यहाँ पर, बाकी सब सेंटेंस वही रहेगा। वी इंटर इन टू द रूम, हम लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। वी डू नॉट गो इन टू द फॉरेस्ट, ठीक है, हम लोग जंगल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट मे वी कम इन टू द रूम, क्या हम लोग कमरे में आ सकते हैं? मे वी कम इन टू द रूम, क्या हम लोग कमरे में आ सकते हैं? यहाँ से बदल लेते हैं तो ताकि अच्छा लगे, देखिए ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। मे वी नॉट कम इन टू द रूम, क्या हम लोग कमरे में नहीं आ सकते हैं? नेक्स्ट है व्हाट डू वी जम्प इन टू द रिवर, क्या हम लोग नदी में कूद सकते हैं? बिल्कुल। व्हाट डू वी नॉट जम्प इन टू द रिवर, हम लोग क्या नदी में कूद नहीं सकते हैं? नेगेटिव है, ठीक है, मतलब डब्ल्यू क्वेश्चन के साथ। वाई कैन वी टर्न, बदलने वाले स्थिति, वाई कैन वी टर्न इन टू अ कैट, हम लोग क्यों बिल्ली में बदल सकते हैं? वाई कैन वी नॉट टर्न इन टू अ कैट, हम लोग क्यों नहीं बिल्ली में बदल सकते हैं? फिर देखिए हाउ शुड वी डाइव इन टू द ओशियन, हम लोग कैसे सागर में गोता या समुद्र में गोता, हम लोग कैसे समुद्र में गोता मारना चाहिए? हाउ शुड वी नॉट डाइव इन टू द ओशियन, हम लोग कैसे सागर में गोता नहीं मारना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू के साथ दोस्तों, यू इंटर इन टू द रूम, तुम कमरे में प्रवेश करते हो, स्थिति बदल रहा है। यू डोंट गो इन टू द फॉरेस्ट, तुम लोग जंगल में नहीं जाते। मे यू कम इन टू द रूम, क्या तुम कमरे में आ सकते हो? मे यू नॉट कम इन टू द रूम, क्या तुम कमरे में नहीं आ सकते हो? व्हाट डू यू जम्प इन टू द रिवर, तुम क्या नदी में कूद सकते हो? व्हाट डू यू नॉट जम्प इन टू द रिवर, तुम क्या नदी में कूद नहीं सकते? वाई कैन यू टर्न, अब बदलने वाला, वाई कैन यू टर्न इन टू द कैट, तुम क्यों बिल्ली बन सकते हो? वाई कैन यू नॉट टर्न इन टू अ कैट, तुम क्यों नहीं बिल्ली बन सकते हो? थोड़ा सा फास्ट हो गया है लेकिन वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ शुड यू डाइव इन टू द सी, तुम कैसे समुद्र में गोता मार सकते हो? हाउ शुड यू डाइव इन टू द सी, है ना, हाउ शुड यू नॉट डाइव इन टू द सी, तुम कैसे समुद्र में गोता नहीं मार सकते हो? ये तो यू सिंगुलर के साथ है, अब देखिए यही जो है यू यहाँ पर प्लूरल के रूप में बदल जाएगा, सेंटेंस में कोई अंतर नहीं। यू इंटर इन टू द रूम, तुम लोग कमरे में प्रवेश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट गो इन टू द फॉरेस्ट, तुम लोग जंगल में नहीं जाते हो। तो चलिए, मे यू कम इन टू द रूम, क्या तुम लोग कमरे में आ सकते हो? मे यू नॉट कम इन टू द रूम, क्या तुम लोग कमरे में नहीं आ सकते हो? व्हाट डू यू जंप इन टू द रिवर, क्या तुम लोग नदी में नहीं कूद सकते हो, है ना। व्हाट डू यू नॉट जंप इन टू द रिवर, क्या तुम लोग नदी में नहीं कूद सकते हो? व्हाई कैन यू टर्न इन टू द कैट, इन टू द कैट, तुम लोग क्यों बिल्ली बन सकते हो? व्हाई कैन यू नॉट टर्न इन टू अ कैट, तुम लोग क्यों बिल्ली नहीं बन सकते हो? हाउ शुड यू डाइव इन टू द सी, तुम लोग कैसे समुद्र में गोता मार सकते हो? हाउ शुड यू नॉट डाइव इन टू द सी, तुम लोग कैसे समुद्र में गोता नहीं मार सकते? मतलब सिंगुलर प्लूरल में इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हिंदी में जो है बदल जाता है रूप। दोस्तों अब देखिए, ही के साथ, अब ही में जो इंटर लगाएंगे तो यहाँ इस तो आना ही आना है। He enters इन टू द रूम, वह कमरा में प्रवेश करता है। He does not go इन टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में नहीं जाता। May he come into the room, क्या वह कमरे में आ सकता है? May he not come into the room, क्या वह कमरे में नहीं आ सकता है? May what does he jump into the room, वह नदी में कूद सकता है? What does he not jump into the room, क्या वह कूद नहीं सकता है? Why can he turn into the cat? वह क्यों बिल्ली बन सकता है? Why can he not turn into a cat?
वह क्यों नहीं बिल्ली बन सकता है? हाउ शुड ही डाइव इन टू द पॉन्ड? वह उसे कैसे तालाब में गोता मारना चाहिए? हाउ शुड ही नॉट डाइव इन टू द पॉन्ड? उसे कैसे तालाब में गोता जो है नहीं मारना चाहिए? यहाँ पर लिख दीजिए नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों ये ही था, आपने देखा ही के ऊपर कैसे बनता है इस तरह सेंटेंस। अब चलिए सी पे हम लोग सी की चर्चा करते हैं। ही वगैरह सी पे भी आता है। सी इंटर्स इन टू द रूम, वह कमरा में प्रवेश करती है। सी डज नॉट गो इन टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में नहीं जाती है। मे सी कम इन टू द रूम, वह कमरे में आ सकती है। मे सी नॉट कम इन टू द रूम, वह कमरे में नहीं आ सकती है। वाट डज सी जम्प इन टू द रूम, इन टू द रिवर, वह नदी में कूद सकती है। What does she not jump into the river? क्या वह मतलब कि नदी में नहीं कूद सकती, नहीं थी नदियाँ लिखी लीजिएगा, ठीक है, क्या वह नदी में नहीं कूद सकती है। Why can she turn into a cat? वह क्यों बिल्ली बन सकती है ना? Why can she not turn into a cat? वह क्यों नहीं बिल्ली बन सकती है। How should she dive into the pond? उसे कैसे तालाब में गोता मारना चाहिए। How should she not dive into the pond? उसे कैसे तालाब में गोता नहीं, जी हाँ, गोता नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया सी के साथ। तो चलिए अब दे के साथ देखते हैं। दे प्लुरल होता है ही सी का, दोनों का ही, यानी जो ही आपने देखा और सी देखा, ठीक है, उन दोनों का प्लुरल दे हो जाता है। तो दे इंटर, अब एस नहीं लगा इसमें, प्लुरल है इसलिए दे इंटर इन टू द रूम, वे लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट गो इन टू द फॉरेस्ट, वे लोग जंगल में नहीं जाते। मे दे कम इन टू द रूम, क्या वे लोग कमरे में आ सकते हैं। मे द नॉट कम इन टू द रूम, क्या वे लोग कमरे में नहीं आ सकते हैं। वॉट डू दे जम्प इन टू द रिवर, वे लोग क्या नदी में छलांग मारते हैं। वॉट डू दे नॉट जम्प इन टू द रिवर, वे लोग क्या नदी में छलांग नहीं मारते हैं। Why can they turn into a cat? वे लोग क्यों बिल्ली बन सकते हैं। Why can they not turn into a cat? वे लोग क्यों नहीं बिल्ली बन सकते हैं। और how should they dive into the river? वे लोग कैसे जो है रिवर यानी नदी, ठीक है, वे लोग कैसे नदी में गोता मार सकते हैं ना, मारना चाहिए उनको, उन लोग कैसे। How should क्या है यहाँ पर नॉट लगा लीजिए। How should they not dive into the river? वे लोग कैसे सागर में गोता नहीं मारना चाहिए। अब एक नाम ले लीजिए दोस्तों, जैसे नाम पे भी तो हम लोग बोलते हैं इस तरह के बात को, इनटू का प्रयोग करेंगे। रवि इंटर्स इनटू द रूम, रवि कमरा में जाता है। रवि डज नॉट गो इनटू द रूम, इनटू द फॉरेस्ट, रवि जंगल में नहीं जाता है। मे रवि कम इन टू द रूम, क्या रवि कमरा में आ सकता है। मे रवि नॉट कम इन टू द रूम, क्या रवि कमरा में नहीं आ सकता है। What does Ravi jump into the room? रवि क्या नदी में कूद सकता है। देखिए रवि नाम है, रवि जंप एक मूवमेंट हो रहा है, इन टू लगेगा ही मूवमेंट में, द रिवर, क्या रवि कमरा नदी में नहीं कूद नदी में कूद सकता है। नॉट लगाएंगे, What does Ravi not jump into the river? क्या रवि नदी में नहीं कूद सकता है? Why can Ravi turn into a tiger? रवि क्यों बाघ बन सकता है भाई। Why can Ravi not turn? ठीक है, not turn into a tiger. रवि क्यों बाघ नहीं बन सकता है ना, टर्न के साथ लगा के बन सकता ना। How should Ravi dive into a sea? है ना, हाउ, तो रवि को कैसे समुद्र में गोता नहीं मारना चाहिए, ठीक है, रवि को कैसे समुद्र में गोता मारना चाहिए। अब यहाँ देखिए नॉट के साथ, How should Ravi not dive into the sea? रवि को कैसे समुद्र में, या देखिए नहीं आ गया ना, नहीं गोता मारना चाहिए। तो दोस्तों ये सब इंट मतलब कि आपने देखा कि इनटू के ऊपर था, तो
तो आप लगा सकते हैं, इन के ऊपर बना सकते हैं ना, इन पे बना सकते हैं। देखिए आप जो है इन पे बनाइए, ठीक है, इन टू पे मैंने बता दिया, ऑन पे बनाइए इसी तरह सेंटेंस, और ऑन टू पे बनाइए, ठीक है, ऑन टू पे बनाइए। अगर आप इतना सेंटेंस बना लेते हैं तो सोचिए कितना सेंटेंस आपको बोलने या लिखने आ सकता है ना। तो ये आपके लिए जो है टास्क है, और इस टास्क को ईमानदारी के साथ आप पूरा करिए, होमवर्क को पूरा करिए, और जाहिर सी बात है एग्जाम्पल तो है ही, मिलता जुलता लिख देना है। तो होमवर्क जो है सॉरी ये होमवर्क इस तरह से लिखेंगे, होमवर्क जो है होमवर्क को पूरा करके आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि गलती कम होगा। तो एस डब्ल्यू ये रहा आपके लिए, सी डब्ल्यू आपने देखा क्लास वर्क में, क्लास वर्क तो नहीं था, क्लास वर्क ठीक तरह था ये। तो एच डब्ल्यू को आप अच्छे से काम करिए इस पर, ताकि आप आगे इंग्लिश में कुछ कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में ही था, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है ना, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, ठीक है, इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों का भला हो सके। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।